अलैकुम प्यारे नाज़मीन, करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत देर के बाद काफ़ी इंतजार में बारिश बरसाई है, थोड़ी थोड़ी अभी बारिश बरस रही है और बादल जो है ना वो गरज रहे हैं जोर जोर से और बहुत तेज आंधी आई है। बारिश से पहले तकरीबन आधा घंटा हो गया है आंधी को आते हुए, बहुत ज़ोरदार आंधी थी और इतनी ज़्यादा मट्टी थी कि हम बाहर कमरों से बाहर ही निकली थी, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। वरना आप लोगों को आंधी भी ज़रूर शेयर कराते, लेकिन एक और मजबूरी भी है कि आज इबरार जो है ना वो घर पर नहीं है, तो मैंने चौधरी बाबा को उठाया है अभी से, आओ हम मिलकर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो माशाल्लाह से जल्द हम मौसम देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मौसम बन गया है वो, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी के बाद आज जब ठंडा मौसम बना है तो दिल भी खिल उठे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ही एकदम से चेंज होगा और इसको नहा रहे हैं बारिश में और बहुत ज़्यादा पानी हो गया, जानवर में भी लग गया, देखिए कितना पानी बह गया। आज इबरार
ये क्या है? पैसे कहते हैं। अभी बारिश तो थोड़ी थम गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और जानवर बहुत ही खुश खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जितनी गर्मी सुबह से तकरीबन 3 बजे तक गर्मी थी ना, तो यकीन माने हम तो जैसे चार पाइये पर पंखे भी चल रहे थे, ऐसे लगता था कि बेहोश पड़े हैं। तो माशाल्लाह से एकदम से हम जब बाहर आए, ध्यान से आना गिर जाओगे, और एकदम से बारिश, आंधी बहुत जोर की आंधी आई, लेकिन वो हम आप लोगों से शेयर नहीं कर सके क्योंकि चौधरी बाबर भी नहीं था उस वक्त, ब्रार भी नहीं था। तो मैं जब उनके कमरों में गई तो चौधरी बाबर पता नहीं कहाँ था, तो उसको ढूंढते ढूंढते तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला करम करेगा और बारिश आएगी और आज की बारिश की वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये देखे फसलें कितनी खुश खुश नज़र आ रही हैं, हर तरफ हरा भरा खेत नज़र आ रहे हैं, सब्जा ही सब्जा हो गया है। जैसे ही मैं हम निकला ना, क्योंकि मैं गया हुआ था बैंगलोर में, तो गिर गिर के हम बस बड़ी मुश्किल से ना पहुंचे हैं घर में, अभी आगे पहुंच रहे हैं घर में, पूरा देर किया। तो ये अभी आके पहुंचे हैं, मैंने कहा कभी किसी के घर चले जाना था, आज तक ये कभी भी मौसम अच्छा हो जाए बुरा कभी किसी घर बार में जाकर नहीं रहता, तो कहता था मुझे कहाँ किसके घर में जाता, पर कहता क्यों आ गया। तो फिर असल में जिस एरिया में हम गए थे ना, आपको देख दिखाया और दिखाऊंगा अपनी वीडियो में, तो इधर से ना घर था ना इधर से कोई खास रोड पर आ गए थे, रोड पे ले इतना लंबा लंबा सफर था, वो इतनी तेज ऐसे ना शॉर्ट थी ना बारिश थी, तो बस खुलती नहीं है वो बारिश है, मैंने बड़ी सट भी लगी है पाँव पे, जख्म भी हो गया है, और मोटरसाइकिल का भी, और थोड़ी देर पहले मैं एक गुजोदार गिरी हूँ, वहाँ से आ रहे थे एकदम स्लिप हुई और गिर गई। तो ये देखे बकरियों को हमने छेड़ दिया है ताकि ये घास फूस खा के तो अपना पेट भरें। आज बहुत ही अच्छा मौसम बना है, तो हमने सोचा कि आगे चलते हैं और देखते हैं आज हमारे पौधों पर अनार माल्टे और उनके पौधे जो है वो उनका फल कैसा बना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गर्मी की वजह से हम उधर गए नहीं, तो आइए चलते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। बहुत मुझे डर लगता है क्योंकि बचपन में बहुत मुझे डर लगता था, लेकिन अभी डर लगता है इतनी जोर जोर से बिजली जो है गरज रही है ना, मुझे तो पास जाने से भी डर लग रहा है। खूबसूरत लग रहे हैं जवार के, ये देखो, और जो बाजरा होता है ना, बाजरा भी हमने बोया है, अभी वो बाद में बोया जाता है, और उसके सिक्के जब निकलते हैं ना उसके दाने ऐसे बनते हैं, तो फिर उसको पीस के उसका बाजरे का आटा बनाया जाता है, बाजरे की रोटी बहुत प्यारी बनती है, बाजरे की और मकाई की। तो नाम तो हमारा ख़त्म हो गया है, तो बारिश जो है ना वो दोबारा से शुरू हो गई, इस तरफ देख रहा ना
देखा कितनी जोरदार गट जो है ना उठ रही है। मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए। वीडियो बना।